टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्टामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चोरी और छिनौती के करीब 10 मामलों का खुलासा करते हुए भिमंडी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भिमंडी में लगातार चोरी और छिनौती की घटनाओं को देखते हुए DCP योगेश चौहान ने आदेश दिया था कि सभी पुलिस स्टेशनों के हद में सतर्कता से गश्त की जाए, जिसके बाद भिमंडी पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत ढोले और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शीतल राउत के मार्गदर्शन में शांतिनगर पुलिस की एक टीम को गुप्त जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी और छिनौती के मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है मोहम्मद फैजान इस्लाम अंसारी, 19 वर्ष, ये भिमंडी के खंडूपाड़ा का रहने वाला है, और कामिन अली अमजद अली बेग, 20 वर्षीय, ये भिवंडी के खान कंपाउंड का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों के पास से अलग अलग इलाकों में चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने छिनौती के मामले में भिवंडी के मंगल बाजार निवासी जो तीसरा आरोपी है फैजल फिरोज अहमद अंसारी, 21 वर्षीय, इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। यानी कि इन तीनों आरोपियों के पास से 10 मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3,63,000 रुपये का सामान जो है बरामद किया है। बहरहाल अब ये तीनों आरोपी सलाखों के पीछे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।